अथ प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॐ सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् ॐ ॐ विवक्षितगुणोपपत्तेश्च ॐ ॐ अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॐ ॐ कर्मकर्तृव्यपदेशाच्च ॐ ॐ शब्दविशेषात् ॐ ॐ स्मृतेश्च ॐ ॐ अर्भकौकस्त्वात् तद्व्यपदेशाच्च नीति चेन्न निचायत्वादेवं व्योमवच्च ॐ ॐ संभोगप्राप्तिरिति चेन्न वैशेष्यात् ॐ ॐ अत्ताचराचरग्रहणात् ॐ ॐ प्रकरणाच्च ॐ ॐ गुहां प्रविष्टावात्मानो हि तद्दर्शनात् ॐ ॐ विशेषणाच्च ॐ ॐ अन्तर उपपत्तेः ॐ ॐ स्थानादिव्यपदेशाच्च ॐ ॐ सुखविशिष्टाभिधानादेव च ॐ ॐ श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च ॐ ॐ अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः ॐ ॐ अन्तर्याम्यधिदैवादिषु तद्धर्मव्यपदेशात् ॐ ॐ न च स्मार्तमतद्धर्माभिरापात् ॐ ॐ शारीरश्चोभयेपिः भेदेनैनमधीयते ॐ ॐ अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः ॐ ॐ विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॐ ॐ रूपोपन्यासाच्च ॐ ॐ वैश्वानरः साधारणशब्दविशेषात् ॐ ॐ स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति ॐ ॐ शब्दादिभ्योऽन्तःप्रतिष्ठानान्नेति चेन्न तथा दृष्ट्युपदेशादसम्भवात् पुरुषविधमपि चैनमधीयते ॐ ॐ अत एव न देवता भूतञ्च ॐ ॐ साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः ॐ ॐ अभिव्यक्तिरित्याश्परथ्यः ॐ ॐ अनुस्मृतेर्बादरिः ॐ ॐ सम्पत्तेरिति जैमिनिस्तथा हि दर्शयति ॐ ॐ आमनन्ति चैनमस्मिन् ॐ इति श्रीबादरायणविरचिते श्रीमद्ब्रह्मसूत्रे प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः।